वेलकम टू वैक माई यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में जो एलाइट मोशन से फ्रेंड्स न्यू स्टेटस क्रिएट करके दिखाऊंगा फ्रेंड्स, और आप भी क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको स्टेटस क्रिएट करने के लिए फ्रेंड्स मोबाइल में जो एलाइट मोशन डाउनलोड को ओपन कर लेना फ्रेंड्स। ओपन करने के बाद उसका जो इंटरफेस है आपके मोबाइल के होम से वो कुछ इस तरह का दिखेगा फ्रेंड्स। दिखने के बाद फ्रेंड्स मैंने जो स्टेटस क्रिएट किया हूँ फ्रेंड्स, तो आप उस स्टेटस को नज़र देख लीजिए और आप होम से देख लिए होंगे। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो को जिससे देखा जो कमाल का स्टेटस मैं क्रिएट करके दिखाऊंगा फ्रेंड्स, और आप भी क्रिएट कर सकते हैं। आज का जो स्टेटस फ्रेंड्स हैप्पी बर्थडे पर है, तो आप भी बना सकते हैं, अपना नाम लिख सकते हैं इस पर, और आपका भी स्टेटस फ्रेंड कुछ इसी तरह का जो कमाल का बन के दिखेगा फ्रेंड्स। तो चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मोबाइल में जो एलाइट मोशन है डाउनलोड को ओपन कर लेना फ्रेंड्स। ओपन करने के बाद फ्रेंड्स का जो इंटरफेस आपको देख लिए होंगे किस तरह का दिखा है, और जितना भी मटेरियल यूज कर रहा हूँ फ्रेंड्स को कैसे डाउनलोड करना है क्या करना तो सब बताऊंगा फ्रेंड्स। इसमें जो कोई सब जो काइंड मास्टर इंपोर्ट करना है, जो देखो मैंने फिट मार्क लगा दिया फ्रेंड्स, वो कुछ नहीं करना पड़ेगा, खाली यहाँ पे जो मॉडल्स फोटो या खुद का जो फोटो है वो एडजस्ट करना पड़ेगा। आपको फिट मार्क का जो सॉन्ग है मैं इसका लिंक आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में फ्रेंड्स, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसको जो काइंड मास्टर एलाइट मोशन में इंपोर्ट कर सकते हैं, और आप भी इस तरह का जो न्यू स्टेटस क्रिएट कर सकते हैं। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको इस यहाँ से बैक आ जाना फ्रेंड्स, पूरा बैक आ जाना। बैक आ जाने के बाद फ्रेंड्स आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में चला देना लिंक में, उसको डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद फिर आपको अपना फाइल मैनेजर में चला जाना है। कुछ इस तरह फाइल मैनेजर में जाने के बाद फिर डाउनलोड फोल्डर में जाना है। जाने के बाद फिर क्या करना, जो देखकर लिखा है सॉन्ग वी टू मार्क, इस पर वो टैप करके रखना कुछ इस तरह से, थोड़ा देर तो प्रेस करके रखोगे फ्रेंड्स आपको सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। आपको यहाँ जो दिख रहा है सेंड का ऑप्शन, सेंड पे क्लिक कर देना है। सेंड पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपके सामने यहाँ शो होगा लाइट मोशन एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन पे वो जो लाइट मोशन का एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद फ्रेंड्स आपका जो मतलब सॉन्ग है वो देखो इम्पोर्ट हो चुका है, बीट मार्क सॉन्ग। इसके बाद जो फ्रेंड्स ऐसे इफेक्ट भी इम्पोर्ट में कर लेना, इसी तरह से इस पर टैप करके रखना है, सेंड पे क्लिक करना है, और यहाँ से जो एलाइट मोशन का ऑप्शन देख रहे वो क्लिक कर देना फ्रेंड्स। तो आज जो इफेक्ट है इंपोर्ट हो जाएगा। हो जाने के बाद उसको यहाँ से हम कट लगा देते हैं कुछ इस तरह से, और फिर से मैं एलाइट मोशन ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद फ्रेंड्स उसका जो इंटरफेस है कुछ इस तरह का दिखेगा फ्रेंड्स। दिखने के बाद वो क्या करना है, प्रोजेक्ट पर वो क्लिक कर देना। प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देने के बाद फ्रेंड्स का जो सॉन्ग वीट मार्क का ऑप्शन आ जाएगा, शो हो जाएगा, तो मेरा शो हो चुका है, तो उस पर क्लिक कर देना। क्लिक कर देने के बाद फ्रेंड्स तो देखो मेरा जो सॉन्ग है बीट के साथ परफेक्ट एडजस्ट हो चुका है फ्रेंड्स। मैं बीट मार्क में लगा दूँगा, एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। इसमें क्या करना, सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ इस तरह का उस लिखा आएगा लिरिक्स वाला वीडियो, तो यहाँ जो मैंने लिखा अपना चैनल का नाम लिखा फ्रेंड्स, तो यहाँ से कोई इसमें अपना नाम लिख सकता है फ्रेंड्स। तो इसमें कैसे लिखना चलो मैं दिखा देता हूँ। उस पर क्लिक करना फ्रेंड्स, उसके बाद जो नीचे दिख रहा है एडिट टैक्स का ऑप्शन, एडिट टैक्स पे क्लिक कर देना। जैसे मैं एम डी पी का लोंडा लिखा हूँ, इसमें कुछ जैसे मैं कट लगा देता हूँ, और यहाँ से कुछ भी नाम अपना लिख लेना। जैसे मैं लिख देता हूँ मोहन, मैंने लिख दिया, और इसको यहाँ से को डन कर देना फ्रेंड्स। डन हो जाने के बाद फ्रेंड्स इसमें जो अब इसमें तो हेड मतलब कि जो क्या बोलते हैं इसको टेक्स्ट भी चेंज कर सकते, तो मैंने इस टेक्स्ट को ऐड कर दिया फ्रेंड्स, यहाँ से डन कर देना है। तो आपका जो सॉन्ग मतलब का जो नाम फ्रेंड्स कुछ तरह का चेंज हो जाएगा, उसको बीच में लगे एडजस्ट कर लेना। तो कैसे एडजस्ट करना, क्लिक करना मूव और ट्रांसफर पर जाना है, और इसको कुछ इस तरह से आपको यहाँ तक एडजस्ट कर लेना फ्रेंड्स बीच में लाके कुछ इस तरह से। तो आपका भी स्टेटस फ्रेंड काफ़ी कमाल का बन के दिखेगा, इस तरह से एडजस्ट कर लेना फ्रेंड्स। को थोड़ा जूम करना चाहते हो मतलब बड़ा इसका साइज, तो इस तरह से बड़ा कर सकते हैं, और अपना नाम यहाँ टेक्स्ट में लिख सकते हैं। लिख लेने के बाद मेरे को कुछ इस तरह से यहाँ तक आ जाना है, जो को रेड कलर का बुक मार्क देखो उसमें रहने देना। इसमें कुछ लकीर रखना है, उसके बाद को प्लस के अकाउंट पे क्लिक करना है, इमेज एंड वीडियोस पे जाना है, और यहाँ पे ऑल को सिलेक्ट कर लेना, अपना गैलरी से जो अपना फोटो आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो चलो मैं यहाँ से जो नीरज भाई का जो फोटो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, देखो मैंने एक मॉडल फोटो सिलेक्ट किया, प्लस के पे क्लिक करना है, और उसके बाद को फिल्म सेट करना। तो कैसे एडजस्ट करना, तो यहाँ जो दिख रहा है मूव एंड ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन पर क्लिक करना है, और यहाँ जो थ्री नंबर का इफेक्ट दिख रहा है इस पर क्लिक करना, इसको इस तरह से स्क्रॉल करना, इधर स्लाइड करना, इधर स्लाइड करने से आपका जो मॉडल फोटो जूम हो जाएगा, और इसमें जो अच्छा से एडजस्ट आपको कर लेना कुछ इस तरह से। फिर से यहाँ बैक आ जाना फ्रेंड्स, बैक आना, उसको इस वाला बुक मार्क में ले आना, इस वाला रेड पर ले आना कुछ तरह टिक पे, उस पर क्लिक करना है, और जो कट का ऑप्शन दिख रहा है उस पर कट लगा देना है। तो इसी तरह से फ्रेंड्स आपको फिर से यहाँ जो उसके बाद जो दिख रहा है प्लस का पे क्लिक करना, इमेज एंड वीडियोस पे जाना, फिर व्यूस ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, और फिर से आपको अपना गैलरी से अपना फोटोज जो सेलेक्ट कर लेना।
तो फिर इसको मोड ट्रांसफर पे जाना फ्रेंड्स, और यहाँ से 3 नंबर पे जो एरो दिख रहा है उसमें जाना है, इसको कुछ तरह से जूम कर लेना है। इतना जूम हो जाने के बाद फ्रेंड्स फर्स्ट वाला एरो पे क्लिक कर देना, इसको कुछ इस तरह के लाके आपको बीच मदर एडजस्ट कर लेना अच्छा से। तो फ्रेंड्स सब कुछ समझ में आ गया, कुछ इस तरह से जितना वीट मार्क है फ्रेंड्स वहाँ तक कुछ अपना मॉडल्स फोटो जो फटाफट से एडजस्ट कर लेना फ्रेंड्स। तो मैं चलो एक काम जो फटाफट से कर लेता हूँ फ्रेंड्स, उसके बाद जो वीडियो का प्रोसेस मैं आपको बताऊँगा। तो फ्रेंड्स देखो मैंने जितना मतलब वीट मार्क था मैंने सब में कुछ इस तरह जो इफेक्ट है मतलब जो मॉडल्स फोटो ऐड कर लिया फ्रेंड्स। ऐड हो जाने के बाद को क्या करना है, कुछ इस तरह से को फर्स्ट तरफ आ जाना फ्रेंड्स, का जो मॉडल्स फोटो नीचे जाएगा तो उसको के ऊपर लाना है, इस तरह से को फर्स्ट तरफ आ जाना यहाँ तक जिसमें कोई इफेक्ट ऐड करना। तो कैसे ऐड करना चलो मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ से फ्रेंड्स एक बार बैक आ जाना, बैक आ जाने के बाद फ्रेंड्स जो भी सेक इफेक्ट वाला जो वीडियो एक्सपो मतलब इसमें इंपोर्ट किया तो उस पर को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स तो इसमें कोई लिरिक्स वाला जो इफेक्ट मिल जाएगा, उसके बाद जो मॉडल्स फोटो में ऐड करना ये वाला इफेक्ट है इस वाला मॉडल्स फोटो को क्लिक करना है। उसके बाद कोई इफेक्ट में क्लिक करना फ्रेंड्स, और यहाँ देख रहे 3 डॉट का उसमें क्लिक करना, यहाँ से वो जो कॉपी कर लेना। कॉपी हो जाने के बाद उसमें बैक आना, और बैक आना फ्रेंड्स, बैक आने के बाद में जो भी अब स्टेटस क्रिएट कर रहे तो उसको को ओपन कर लेना है। तो चलो मैं जो यहाँ से ओपन कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। ओपन हो जाने के बाद में कोई यहाँ तक आना कुछ इस तरह से, जहाँ का मॉडल्स फोटो स्टार्ट हो रहा है जो एडजस्ट किए तो कोई आना कुछ इस तरह से, फर्स्ट मॉडल्स फोटो उस पर क्लिक कर देना है, और इफेक्ट पे को क्लिक कर देना नीचे, और जो 3 डॉट का ऑप्शन उस पर क्लिक कर देना है, और यहाँ पे को पेस्ट कर देना फ्रेंड्स। तब का जो मॉडल्स फोटो में फ्रेंड्स कुछ इस तरह का जो इफेक्ट है ऐड हो जाएगा। फिर को दूसरा मॉडल्स फोटो पे क्लिक करना है, इफेक्ट पे क्लिक करना है, फिर 3 डॉट पे जाना, यहाँ से पेस्ट कर देना फ्रेंड्स। इसी तरह से फ्रेंड जितना मॉडल्स फोटो सेलेक्ट किए हो सब में कुछ इस तरह जो इफेक्ट है कॉपी मतलब कर लिए, उसके बाद खाली को पेस्ट कर देना फ्रेंड्स। तो चलो जो काम है फटाफट से कर लेता हूँ फ्रेंड्स, अभी कुछ इस तरह से फटाफट से जो इफेक्ट है पेस्ट कर लेना। पेस्ट हो जाने के बाद फ्रेंड्स जो स्टेटस फ्रेंड बन के तैयार हो जाएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स एक लाइक जरूर कर देना, और अच्छा सा कमेंट जरूर करके बताना फ्रेंड्स। और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना फ्रेंड्स, और आपको कुछ इसी तरह से जो है इफेक्ट पे क्लिक करना, यहाँ पे पेस्ट करते जाना फ्रेंड्स, तो आपका जो स्टेटस है फ्रेंड्स कमाल का बन के दिखेगा फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आए, और आप भी जो इस तरह का न्यू मतलब हैप्पी बर्थडे पर जो बर्थडे स्टेटस क्रिएट कर सकते हैं, तो आपका भी जो मॉडल्स फोटो फ्रेंड कुछ इस तरह का जो इफेक्ट ऐड हो जाएगा फ्रेंड्स, जो कि देखने में काफ़ी कमाल का लगता है। और यहाँ पे जो एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक कर देना है यहाँ पे सेटिंग के बगल पे, और यहाँ से जितना एचडी में वीडियो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं जो एक्सपोर्ट का ऑप्शन से वीडियो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए, तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना फ्रेंड्स, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक।